मूवी की शुरुआत में हमें दो किंगडम को दिखाया जाता है। एक किंगडम में जहाँ इंसान रहते हैं और इस किंगडम पर एक लालची राजा हेनरी रूल करता है, वहीं दूसरे किंगडम का नाम मूर्स है, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर क्रिएचर रहते हैं। मूर किंगडम में एक छोटी और बहुत ही प्यारी फेरी रहती है, इसका नाम मैलेफिसेंट है और सब लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। एक दिन मूर किंगडम में एक लड़का आता है और रिवर ऑफ ज्वेल से एक ज्वेल को चुरा लेता है। जब इसके बारे में मैलाफिसेंट को पता लगता है तो वो मैलाफिसेंट उस लड़के को रोकने के लिए उस तरफ जाती है और ये उस लड़के से ज्वेल को लेकर के वापस नदी में फेंक देती है। फिर मैलाफिसेंट इस लड़के को इंसानों के किंगडम की तरफ छोड़ने के लिए जाने लगती है, लेकिन रास्ते में ये लड़का मैलाफिसेंट को बताता है कि उसका नाम स्टीफन है और वह एक दिन हेनरी के कैसल में जाना चाहता है, लेकिन फिलहाल वह एक अनाथ और गरीब होने के कारण वहाँ पर नहीं जा सकता है। फिर लड़का जब जाने लगता है तो मैलाफिसेंट से वो हाथ मिलाता है, लेकिन इसके हाथ मिलाते ही मैलाफिसेंट को एक बहुत तेज का झटका लगता है और उसे काफ़ी दर्द होता है और इसका कारण वो स्टीफन को बताती है कि उसने जो आयरन की रिंग पहनी है उसके कारण उसे ऐसा दर्द हुआ। इसके बाद स्टीफन तुरंत ही उस रिंग को निकाल करके फेंक देता है और दोबारा मैलाफिसेंट से मिलने का प्रॉमिस भी करता है। ये सब देख करके मैलाफिसेंट स्टीफन से काफ़ी इंप्रेस्ड हो जाती है और इसी के बारे में अब दिन रात सोचने लगती है। फिर दिन गुजरने के साथ साथ स्टीफन यहाँ दोबारा आता है और ऐसा वो बार बार करता है क्योंकि वो भी मैलाफिसेंट को पसंद करता है और अब मैलाफिसेंट और स्टीफन की दोस्ती प्यार में भी बदल जाती है। और जब मैलाफिसेंट का 16वां जन्मदिन होता है उस पर स्टीफन इसे ट्रू लव किस करता है, लेकिन इसके बाद स्टीफन काफ़ी समय तक पैसे कमाने में बिजी रहता है, इसलिए वह कई दिनों तक मैलाफिसेंट से मिलने मूड्स में नहीं आ पाता। इधर मैलाफिसेंट भी बड़ी और एक ताकतवर फेरी बन चुकी होती है और ये अपने मैजिक से मूर किंगडम की रक्षा करती है। फिर एक दिन इंसानी किंगडम का राजा हेनरी मूर्स पर हमला करता है। मैलाफिसेंट इसे देखते ही उन्हें वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन हेनरी इसका मजाक उड़ाता है और अपनी आर्मी को उसकी तरफ भेजता है। फिर मैलाफिसेंट यहाँ अपने मैजिक से ट्री ब्रांचेस से बनी क्रिएचर को बुलाती है और इस आर्मी से वो फाइट करने के लिए उसे भेज देती है और मैलाफिसेंट खुद हेनरी के पास आती है, लेकिन हेनरी ने लोहे का ग्लव्स पहन रखा होता है। इसी वजह से मैलाफिसेंट को फिर से झटका लगता है और ये दूर जाके गिरती है और इसके बाद हेनरी भी अपनी आर्मी के साथ वापस चला जाता है, लेकिन मैलाफिसेंट के साथ हुई लड़ाई में यह काफ़ी चोटिल हो जाता है और इसीलिए एक दिन हेनरी बीमार हो जाता है और ये मरने वाला भी होता है। इसलिए वह ऐलान करता है कि जो भी उसका बदला लेगा और मैलाफिसेंट को मारेगा वह इस किंगडम का अगला राजा बनेगा और हेनरी की बेटी की शादी भी उससे कर दी जाएगी। यहीं पर स्टीफन भी होता है जो कि अब बड़ा हो चुका है और ये काफ़ी एम्बिशियस भी होता है और ये भी इसकी बात को सुन रहा होता है। फिर स्टीफन मैलाफिसेंट से मिलने के लिए मूड में आता है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देख करके काफ़ी खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे पल बिताते हैं, लेकिन बातों ही बातों में स्टीफन मैलाफिसेंट को पानी देता है जिसे पीने के बाद वो तुरंत ही सो जाती है। जब स्टीफन को लगता है कि वह सो गई है तो वह इसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। यहाँ पर उसकी इंटेंशन साफ होती है कि वह मैलाफिसेंट को मारना चाहता है, इसलिए वह मैलाफिसेंट के पंखों को देख करके कुछ सोचने लगता है और एक आयरन चेन निकालता है। यहीं पर यह सीन कट हो जाता है और मूवी के नेक्स्ट सीन में हमें सुबह होने पर दिखाया जाता है कि मैलाफिसेंट दर्द में कराह रही है क्योंकि इसके पंख नहीं होते हैं और एक फेरी के लिए अपने पंख ही सब कुछ होते हैं, इसलिए वह दर्द में जोरों जोरों से चिल्ला रही होती है। स्टीफन भी इसकी रोने की आवाज़ को यहीं पर छुप करके सुन रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मैलाफिसेंट के पंखों को लेकर के कैसल में आता है और यहाँ पर हेनरी को मैलाफिसेंट के पंख दिखा करके ये प्रूफ करता है कि उसने मैलाफिसेंट को मार दिया है। इससे हेनरी भी बहुत खुश हो जाता है। उधर मैलाफिसेंट जो कि अपने पंखों के साथ इधर उधर चहकती और उड़ती रहती थी, अब पंख ना होने की वजह से वो काफ़ी दुखी रहती है और इससे भी ज़्यादा वो इस बात पर दुखी होती है कि उसे प्यार करने वाला इंसान ही उसे धोखा दिया है, इसलिए इसे इंसानों से नफरत होने लगती है। इसी तरह से एक दिन जब मैलाफिसेंट दुखी होकर के घूम रही होती है तो ये देखती है कि एक इंसान एक कौए को मार रहा है और वह ये देख करके तुरंत ही इस कौए को एक इंसान में तब्दील कर देती है, जिससे कि ये आदमी डर करके यहाँ से भाग जाता है। फिर ये कौआ जो कि अब इंसान बन चुका है अपना नाम डायवल बताता है और अपनी पूरी जिंदगी के लिए मैलाफिसेंट का नौकर बन जाता है। इसके बाद डायवल इसका जासूस बन जाता है और इसी तरह से एक दिन मैलाफिसेंट इसे कैसल में भेजती है और जब ये वापस आता है तो मैलाफिसेंट को बताता है कि वहाँ का राजा अब स्टीफन बन गया है और उसने हेनरी की बेटी से शादी भी कर ली है। इस खबर को सुनने के बाद मैलाफिसेंट को बहुत दुख होता है क्योंकि स्टीफन ने उसे धोखा दिया था और वह इसी धोखे के गुस्से में अपने मूर साम्राज्य को ही एक डार्क किंगडम में बदल देती है और यहाँ पर रहने वाले सभी क्रिएचर्स के ऊपर में रूल करने लगती है।
फिर धीरे धीरे समय गुजरता है और एक दिन डायवल इसे बताता है कि स्टीफन की यहाँ पर बेटी हुई है जिसका वो सेलिब्रेशन कर रहा है। फिर सेलिब्रेशन शुरू होता है और स्टीफन अपनी रानी के साथ अपनी बेटी के जन्मदिन की सेलिब्रेशन कर रहा होता है। यहीं पर तीन बॉनी पड़ियाँ भी होती हैं जो कि स्टीफन की बेटी अरोरा को ब्लेसिंग देती है कि वह खूबसूरत हो, उसे सब लोग पसंद करें और हमेशा खुश भी रहे। लेकिन तभी यहाँ पर मैलाफिसेंट आ जाती है और सब लोग इसको देख करके डर जाते हैं और सभी लोगों के रोकने के बावजूद भी अरोरा को एक कर्स देती है कि अरोरा अपने 16वें जन्मदिन पर एक चरखे पर लगे सुई से अपने आप को जख्मी कर लेगी और इसके बाद वह ऐसी नींद में सो जाएगी जिसके बाद वह कभी भी नहीं उठ पाएगी। इस कर्स को सुनकर के स्टीफन रोने लगता है और मैलाफिसेंट से अपने कर्स को वापस लेने के लिए कहता है। लेकिन ये सुनकर के मैलाफिसेंट हंसते हुए अपने दिए श्राप में एक और चीज जोड़ देती है कि वह नींद से तभी उठेगी जब उसे कोई ट्रू लव किस करेगा। लेकिन स्टीफन को अच्छी तरह से पता है कि ट्रू लव किस जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है क्योंकि उसने ट्रू लव किस के बाद ही मैलाफिसेंट को धोखा दिया था और मैलाफिसेंट को भी पता है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, यानी कि इसका मतलब यह है कि अरोरा अपने 16th बर्थडे के बाद कभी भी नहीं उठ पाएगी। फिर इसके बाद मैलाफिसेंट मूड में वापस चली जाती है और स्टीफन वहीं पर डर करके जितने भी किंगडम में चरखे होते हैं उन सभी को जला देता है और अपनी आर्मी मैलाफिसेंट को मारने के लिए भेजता है। लेकिन मैलाफिसेंट ने पूरे मूर किंगडम के चारों तरफ ट्री ब्रांचेस से एक दीवार बना दी है ताकि कभी भी कोई इंसान मूर किंगडम में ना आ सके। इधर स्टीफन अपनी बेटी अरोरा को सेफ रखने के लिए उन्हें तीन बॉनी पड़ियों के साथ जंगल में एक कॉटेज में भेज देता है और अरोरा के 16th बर्थडे तक यही पड़ियाँ इनका ख्याल रखेंगी ताकि अरोरा सेफ रहे। फिर ये पड़िया अरोरा की देखभाल करने के लिए इंसानी रूप में बदल जाती है। लेकिन एक इंसान के बच्चे का कैसे ख्याल रखा जाता है इसके बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। इधर मैलाफिसेंट का जासूस डायवल भी इस कॉटेज को ढूंढ लेता है और मैलाफिसेंट को यहाँ पर लेकर के आता है। लेकिन मैलाफिसेंट जो कि अब इंसानों से नफरत करती है यहाँ अरोरा को देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। लेकिन इसके बावजूद मैलाफिसेंट और डायवल मिलकर के बचपन से इसके बड़े होने तक इसका हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं और एक पल के लिए भी उसे अपने आँखों से ओझल होने नहीं देते हैं। इसी बीच वो अरोरा से एक दिन मिलती भी है। दूसरी तरफ स्टीफन जो कि अपनी बेटी को दिए शराब से काफ़ी ज़्यादा चिंतित होता है डर करके मैलाफिसेंट के पंखों से अकेले में बातें करता रहता है और बार बार मूड के दीवार को गिराने के लिए अपनी आर्मी को भी भेजता रहता है। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ अरोरा भी बड़ी हो जाती है और ये अब मूर्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है और एक दिन जब ये मूर्स के दीवार के पास खड़ी होती है तो मैलाफिसेंट यहाँ पर आती है और इसे बेहोश करके अपने साथ मूर्स के अंदर ले आती है। जब अरोरा को होश आता है तो वह देखती है कि मैलाफिसेंट उसके सामने है और इसे देख करके वह काफ़ी खुश होती है और वह कहती है कि वह जानती थी कि वह उसकी गॉड मदर है क्योंकि मैलाफिसेंट बचपन से ही उसका ध्यान रख रही थी और यह समय समय पर मूड्स में आते भी रहती है और इसीलिए यहाँ के जितने भी क्रिएचर्स होते हैं उन सभी के साथ अरोरा की दोस्ती भी हो जाती है। इधर मैलाफिसेंट भी जो कि अरोरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी लेकिन अनजाने में ही बचपन से इसका ख्याल रखने के कारण ये भी अरोरा को अब पसंद करने लगी है और वह इसे अब प्यार भी करती है और अरोरा को दिए कर्ज के कारण ये काफ़ी ज़्यादा चिंतित होती है, इसलिए वह कर्ज को वापस करने की कोशिश भी करती है लेकिन इसमें यह कामयाब नहीं हो पाती है। अब जैसे जैसे अरोरा की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे दोनों किंगडम्स में बेचैनी बढ़ती जाती है। एक तरफ स्टीफन जिसको कि सपने में भी आकर के मैलाफिसेंट डराती है वहीं मैलाफिसेंट भी काफ़ी दुखी और बेचैन होती है और अरोरा के जब 16th बर्थडे में सिर्फ एक दिन बचा होता है तो मैलाफिसेंट उसे दुनिया की बुराइयों के बारे में समझाने की कोशिश करती है। दरअसल यहाँ पर यह समझाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किन हालातों में इसने अरोरा को कर्ज दिया था। लेकिन अरोरा इसकी बातों पर ध्यान ना देकर के वह कहती है कि अपने बर्थडे के बाद यही मूर्स में ही मैलाफिसेंट के साथ रहेगी। लेकिन मैलाफिसेंट इसे सुनकर के काफ़ी दुखी होती है क्योंकि वह जानती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। फिर अरोरा इस बात को वो तीनों पड़ियों को बताने के लिए अपने घर की तरफ जाने लगती है लेकिन रास्ते में इसे एक राजकुमार मिलता है जो कि अपना रास्ता भटक गया होता है। इस राजकुमार का नाम फिलिप्स होता है। इधर मैलाफिसेंट और डायवल भी इन्हें दूर से देख रहे होते हैं और यहाँ पर डायवल मैलाफिसेंट को कहता है कि हो सकता है फिलिप ही अरोरा का ट्रू लव हो और जब ये अरोरा को ट्रू लव किस करेगा तो हो सकता है कि उसका कर्ज खत्म हो जाए। लेकिन मैलाफिसेंट यहाँ पर हंसते हुए कहती है कि ट्रू लव किस जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, इसलिए तो मैंने उसे ऐसा श्राप दिया था ताकि उसे कोई भी ना तोड़ पाए। इधर अरोरा अपने घर पर पहुंच करके उन तीनों को अपने डिसीजन के बारे में बताती है कि वह हमेशा मूर्स में रहना चाहती है। लेकिन ये तीनों उसे सच्चाई बताते हुए कहते हैं कि मैलाफिसेंट ने उसे एक कर्ज दिया था जिसके कारण वह अपने 16वें जन्मदिन के बाद ऐसी गहरी नींद में समा जाएगी जिससे वह कभी भी नहीं जाग सकेगी।
अरोड़ा ये बात सुन करके भागते हुए मैलाफिसेंट के पास आती है और उसे कर्स के बारे में पूछती है, और वह काफ़ी गुस्सा होते हुए मैलाफिसेंट से नाराज़ हो जाती है और कैसल की तरफ चली जाती है, जबकि मैलाफिसेंट डायबल से फिलिप को बुलाने के लिए कहता है क्योंकि उसे पता है कि अरोड़ा जल्द ही सोने वाली है। महल में आने के बाद अरोड़ा अपने पिता से मिलती है, लेकिन अरोड़ा के अपने 16 बर्थडे से पहले ही आ जाने पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और उसे वह एक कमरे में लॉक कर देता ताकि वह अपने 16 बर्थडे तक बिल्कुल सेफ रहे। फिर स्टीफन खुद मैलाफिसेंट को रोकने के लिए प्लानिंग करने लगता है। वहीं अरोड़ा अपने आप को कमरे से निकालने के लिए दरवाजे पर नॉक करती है और एक नौकरानी दरवाजा खोल भी देती है, तभी इसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो इन आवाजों का पीछा करते हुए महल में ही एक जगह पे पहुंचती है जहां पर बहुत ही मैजिकल चीजें होती है और यहां पर एक मैजिकल चरखा भी होता है जिससे लगी नीडल पे ये अपनी उंगली रखती है और मैलाफिसेंट के श्राप के अकॉर्डिंग ये तुरंत ही नींद में चली जाती है। अब इस बात की खबर जब मैलाफिसेंट को मिलती है तो वह तुरंत ही डायबल जिसे कि उसने घोड़ा बना दिया है फिलिप को लेने के लिए चली जाती है। फिर ये तीनों कैसल में पहुंचते हैं जहां पर आयरन ट्रैप को देख करके डायबल इसे अंदर जाने के लिए मना करता है, लेकिन मैलाफिसेंट इन आयरन ट्रैप्स को पार करते हुए अरोड़ा के पास पहुंच जाती है जहां पर वो तीनों बौनी पड़ियां भी होती हैं जो कि फिलिप से अरोड़ा को ट्रू लव किस करने के लिए कह रही होती है। फिलिप अरोड़ा को किस तो करता है लेकिन अरोड़ा फिर भी अपनी नींद से नहीं जागती है और इसके बाद ये लोग निराश होकर के चले जाते हैं और इनके जाने के तुरंत बाद ही मैलाफिसेंट अरोड़ा के पास आती है और काफी रोते हुए अरोड़ा से माफी मांगती है और इसी के साथ साथ वो अरोड़ा के हेड पर किस भी करती है और इसके किस करते ही अरोड़ा तुरंत ही नींद से जाग जाती है और कर्ज खत्म हो जाता है क्योंकि मैलाफिसेंट एक माँ की तरह बचपन से ही अरोड़ा को सच्चा प्यार करती थी और इसी के कारण ऐसा हो पाया है। अरोड़ा और मैलाफिसेंट एक दूसरे को देख करके काफी खुश होते हैं। अब इसके बाद मैलाफिसेंट अरोड़ा को मूड ले जाने के लिए कैसल के हॉल में पहुंचती है तो इस पर आयरन चेन को फेंक करके इसे कैद कर लिया जाता है जिससे कि मैलाफिसेंट को बहुत दर्द होता है और ये दर्द में तड़पने लगती है। अरोड़ा इसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन सोल्जर इसे रोक देते हैं। तभी मैलाफिसेंट डायबल को एक ड्रैगन में कन्वर्ट कर देती है और वो इन सभी सैनिकों को मार करके मैलाफिसेंट को चेन से आजाद कर देता है, लेकिन कुछ सोल्जर डायबल को पकड़ लेते हैं और मैलाफिसेंट को चारों तरफ से आयरन रॉड से घेर लेते हैं। अब मैलाफिसेंट अरोड़ा को यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि ये ड्रैगन कुछ ही देर में इस कैसल को पूरी तरह से राख में बदल देगा और अरोड़ा के जाते ही स्टीफन एक आयरन आर्मर पहन करके मैलाफिसेंट के तरफ आता है और मैलाफिसेंट पे अटैक करता है और उसे बहुत मारता है। इधर हम लोग देखते हैं कि अरोड़ा मैलाफिसेंट के विंग्स को आजाद कर देती है और ये विंग्स मैलाफिसेंट से एक बार फिर से जुड़ जाते हैं। इससे मैलाफिसेंट तुरंत ही पावरफुल हो जाती है और यहाँ पर सभी सोल्जर को मारने के बाद डायबल को आजाद कर देती है और स्टीफन को घसीटते हुए अपने साथ महल के छत पर लाती है और अपने पैरों में बंधे आयरन चेन को भी ये तोड़ देती है और वह स्टीफन को मारने वाली होती तभी ये रुक जाती क्योंकि स्टीफन से इसने तो कम से कम सच्चा प्यार किया था। लेकिन जैसे ही मैलाफिसेंट वापस जाने के लिए मुड़ती है स्टीफन उस पर हमला कर देता है और उसे लेकर के महल के छत से नीचे कूद जाता है। मैलाफिसेंट विंग्स होने के कारण बच जाती है लेकिन स्टीफन नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद मूवी के फाइनल सीन में मैलाफिसेंट ने जो मूर्स के चारों तरफ दीवार बनाई थी उसको भी गिरा देती है और अपने डार्क किंगडम को एक बार फिर से खुशहाली से भरे किंगडम में बदल देती है और अरोड़ा को दोनों किंगडम्स की यूनिफाइड क्वीन बना देती है और सब लोग खुशी के साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम लोग समझते हैं कि एक लड़का और एक लड़की में ही सच्चा प्यार हो सकता है, लेकिन आपसे सच्चा प्यार आपके माता पिता और आपके दोस्त भी कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इसी मोरल स्टोरी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।